भूपेन हजारिका जी को मैं आदर्श मान के चलती हूँ। उन्होंने संगीत के माध्यम से परिवर्तन करना चाहा समाज में, तो संगीत को सिर्फ मनोरंजन की तरह नहीं लिया, तो बंगाल की भूमि ने उनको बहुत सम्मान दिया। तो उनके लिए उनको श्रद्धांजलि स्वरूप दो लाइन गाऊंगी। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशत सदा ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों, नैतिकता नष्ट हुई, इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्मल जल को समर संग्रामी समग्र आगामी बनाती नहीं हो क्यों। बंगाल की धरती को कहना और ऐसे गाते रहिए, मैं बहुत उत्सुक हूँ रिजल्ट देखने को। खासकर मान्य दादी जी बोलना चाहूंगी कि ये एग्जैक्टली कौन है। ऐसे तो आपको स्नेक मैन ऑफ इंडिया की तरह बहुत लोगों ने मीडिया ने आपको कहा है। इनके बहुत साल पहले मैं पर्सनल दो लाइन बोलना चाहूंगी चाचा जी, आप सांपों से, स्नेक से, सांप से, कोबरा से प्रेम करते हैं, पहली बात बोलते हैं, जो हम सबसे आपको अलग करते हैं, हम लोग डरते हैं। आपके जीवन में बहुत साल पहले आपकी पत्नी की डेथ हो जाती है सांपों के काटने से, और आप उनको बचा नहीं पाए, और उस पीड़ा को उन्होंने जीवन की तरह लिया। उन्होंने इस तरह से लिया कि मेरे साथ जो हुआ वो तमाम परिवार के साथ नहीं हो, इसके लिए वो सांपों पे अध्ययन करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, और बाद में आज ऐसा है कि झारखंड सरकार द्वारा एक्चुअली आपको जमशेदपुर में स्नेक पार्क है आपका, और विस्तार से आप खूब बोलेंगे, और आप समाज सेवा के हिसाब से आपका कई राज्यों में उनका टीम है, और कहीं भी सांप के दंश से कुछ भी अगर ऐसा घटना हो जाती है, दुर्घटना होती है, तो आपकी टीम तुरंत वहाँ रहते हैं और जीवन दान देते हैं, लोगों को बचाते हैं। तो मैं चाहूँगी चाचा जी आप एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, बच्चों के सामने खासकर, आप थोड़ा सा विस्तार से कहें आपके बारे में। ये जो यहाँ पर जो प्रायोजित किया गया है प्रोग्राम, प्रायोजित करता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं उन्हें सादर स्वागत करता भी हूँ। और मुझे आकर यहाँ बहुत खुशी मिली, क्योंकि इस प्रकार का प्रोग्राम प्रायोजित करना बहुत आनंदमयी है और बहुत सार्थक भी है, और जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम प्रायोजित किया है। और मैं अपना जो प्रोग्राम करता हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 77 में हमारी मिसेज के सांप काटने से मृत्यु हुई थी। उस समय मैं टाटा स्टील में नौकरी करता था, ये मैं इलेक्ट्रिकल डिग्री होल्डर में हूँ, इलेक्ट्रिकल समय डिग्री होल्डर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं भागलपुर से इंजीनियरिंग करता, और मैं रहने वाला चूँकि बिहार का हूँ और भागलपुर मेरा घर है। तो उसी समय से हमने सांप से जब हमारी मिसेज की मौत हुई, तो सांप के बारे में हमने निगेटिव सोच नहीं सोचा, हमेशा पॉजिटिव सोच सोचा, क्योंकि सांप बेवजह नहीं काटता, वो किसी प्रकार के जब तक दबाव नहीं पड़ता वो सांप नहीं काटता है। उसी प्रकार से उसी का सांप के पैर के दबने से ही हमारी मिसेज की मौत हुई थी, और मैं सांप पर प्रोग्राम शुरू किया, तो मैंने सांपों को बचाने के लिए एक टीम बनाया, और आज हमारे पास करीब 500 लड़के हैं जो 4 स्टेट में, 5 स्टेट में किया हूँ, हर एक स्टेट में मेरा हर एक